दोस्तों 25,000 प्राइस में आज आप परचेस करके जाओगे एक नया लैपटॉप। ये जो नए लैपटॉप है ना, आज की जो वीडियो है ये बहुत ज्यादा स्पेशल है सिर्फ आपके लिए, क्योंकि 25,000 प्राइस सेगमेंट में एक अच्छा लैपटॉप अगर आपको मिल जाए तो इससे बढ़िया बात ही नहीं हो सकती। क्योंकि दोस्तों आज के टाइम में लोगों ने किस चीज के लिए लैपटॉप परचेज करते हैं, मोबाइल फोन में वो काम नहीं होते जो लैपटॉप में हम कर सकते हैं। लैपटॉप में हम एडिटिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, गेमिंग, अगर हम स्टूडेंट है तो वर्क घर में करने के लिए ऑनलाइन वर्क करके जो पैसे कमाते हैं तो वो काम करने के लिए हम अपने लिए एक नया लैपटॉप लेना चाहते हैं। तो ये सारी डिमांड्स वगैरह आज के टाइम में हर किसी की होती है। अगर आपकी एक भी डिमांड है ना इसके बीच में, तो आज की वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बताऊंगा 10 लैपटॉप। ये 10 लैपटॉप बताने का सीन क्या है, क्योंकि अगर मैं 5 लैपटॉप बताता तो फिर दोस्तों आपके लिए चॉइस बहुत कम होनी थी। मैंने सोचा कि यार आप लोग के लिए ज्यादा चॉइस रखूं, लैपटॉप चूज करने में बहुत ज्यादा आसानी होनी चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग मुझे अब सपोर्ट कर रहे हैं हर किसी को मैं आसान तरीके से दोस्तों लैपटॉप परचेज करवाऊंगा और चूज करने में भी ज्यादा मुश्किल नहीं होने वाली। आज की वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों बात कर लेते हैं, सबसे पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि मैंने जब भी दोस्तों अब कोई नई वीडियो बनानी होती है ना, तो मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि आप लोग अगर कुछ नया परचेज करना चाहते हो ना तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दिया करिए। तो आप लोग यार ये चीज मिस मत किया करो, तो नीचे कमेंट जरूर किया करो और लाइक करा करो अगर आपको वीडियो देखने में अच्छा लगता है। दोस्तों शुरुआत करते हैं नंबर 10 से, ये है हमारा एसर 140। दोस्तों ये बिजनेस लैपटॉप है, जो बिजनेसमैन होते हैं वो ये वाला लैपटॉप दोस्तों परचेज करते हैं, क्योंकि उन लोगों को ज्यादातर वर्क करना होता है, वो ना लाइव स्ट्रीम करते हैं, ना एडिटिंग करते हैं, ना गेमिंग करते हैं, तो इसीलिए उन लोगों ने बस वर्क करना होता है, टाइपिंग, डाटा एंट्री वगैरह ऐसे काम वगैरह कई लोगों को होते हैं, तो उन लोगों के लिए ये बहुत ही एक अच्छी चॉइस है। यहाँ पर आपको 14 इंच की एक HD डिस्प्ले मिलती है, घंटे तक आप इसको नॉन स्टॉप यूज कर सकते हो। इसमें प्रोसेसर मिलता है Ryzen 3 का 3250U का यहाँ पर प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है। इस लैपटॉप में 8GB की रैम मिलती है, 256GB की SSD प्रोवाइड की गई है। अगर ज्यादा स्टोरेज वाला चाहिए तो वो भी चॉइस आप लोगों के लिए है, तो बस 2-3 हजार का फर्क पड़ जाएगा। यहाँ पर AMD Radeon का ग्राफिक कार्ड दिया गया है। कई बार दोस्तों मन हो जाता है गेम वगैरह खेलने का, तो हम इसमें गेम भी खेल पाएंगे। ये लैपटॉप अगर आपको अच्छा लगा ग्रे कलर के बीच में, तो 24,990 रुपीज का परचेस कर सकते हो। डील बहुत अच्छी है, तो जरूर इसको आप एक बार चेकआउट कीजिए। वैसे मैं ये सभी लैपटॉप के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। दोस्तों बात करते हैं नंबर 9 की, ये Lenovo IdeaPad 1। ये जो लैपटॉप है ना, ये इंटेल सेलरन N4020 का इसमें प्रोसेसर दिया गया है। इसमें हमें मिलती है एक 4GB की रैम, 256GB की SSD प्रोवाइड की गई है। इसमें रैम थोड़ी कम है, SSD भी थोड़ी कम है। ये 14 इंचेस की HD डिस्प्ले के साथ आता है। इसमें ऐसे जो वेबकैम है वो है 720 और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि 4 स्टार की इसकी रेटिंग आई है। ये जो लैपटॉप मैं आपको बता रहा हूँ, ये लैपटॉप दोस्तों बहुत ही लोएस्ट और चीपेस्ट प्राइस के बीच में है। इसमें 1 साल की आपको वारंटी भी देखने को मिलती है अगर आप इसको परचेस करते हो, तो ये 22,490 रुपीज का आपको मिल जाता है। वैसे ये लैपटॉप में सबसे बढ़िया बात क्या है, सबसे बढ़िया बात तो यही है कि जिन लोगों ने काम वगैरह करना है, जिन लोगों ने नॉर्मल यूज करना है, मल्टीटास्किंग करनी है, उन लोगों के लिए ये लैपटॉप बहुत अच्छा है। तो ये 22,490 रुपीज का मिल रहा है Lenovo IdeaPad 1, तो बहुत अच्छा लैपटॉप है, तो जरूर इसको आप एक बार चेकआउट कीजिए। दोस्तों नंबर 8 पे जो लैपटॉप आता है ये है Lenovo V15। Lenovo का इतना ज्यादा अच्छा लैपटॉप है दोस्तों, इसका जो प्राइस है ना 25,000 बिल्कुल भी नहीं है, उससे भी बहुत ज्यादा कम है। इसका डिजाइन चेक करोगे तो यहाँ पर 15.6 इंच के यहाँ पर आपको इसके डिस्प्ले का साइज मिल जाता है FHD के साथ, 90:20 1080 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ इसमें रेजोल्यूशन प्रोवाइड की गई है। साथ में एंटी ग्लेयर 250 nits के साथ इसकी ब्राइटनेस प्रोवाइड की गई है। अगर यहाँ पर इसका मेन स्टोरेज की बात करें, 8GB रैम, 256GB वाला SSD यहाँ पर आपको दी गई है। अगर यहाँ पर इसका वेट चेक करें, 1.7 kg तक का मैक्सिमम वेट है, वेट भी ज्यादा नहीं है, और इसको आप 6 घंटे तक नॉन स्टॉप यूज कर सकते हो। 6 घंटे तक की इसकी बैटरी लाइफ है और 20,595 रुपीज का है सिर्फ ओनली। यार इतना ज्यादा अच्छा प्राइस है, और 20,000 अराउंड ही लगा के चलते हैं या 20,500
मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये लैपटॉप आप जरूर परचेज कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। अब ये जो लैपटॉप मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये जो नंबर 7 पे आया है, इस लैपटॉप की जो प्राइस है वो है 20,000। ठीक है, 20,000 का इसका प्राइस है, पूरे 25,000 का भी मैंने ऐड नहीं किया। मतलब ये प्राइस जो था ना भाई इस लैपटॉप का, अभी थोड़ा कम हो चुका है, 26% ऑफ इसके ऊपर चल रही है। ये HP 255 यहाँ पर आपको मिल जाता है, AMD एथलोन सिल्वर 3050U का यहाँ पर प्रोसेसर, इसमें 4GB की रैम है, 256GB की SSD दी गई है। अगर यहाँ पर इसका डिजाइन देखोगे तो डिजाइन ब्लैक कलर के बीच में बहुत अच्छा लैपटॉप है। इसमें 15.6 इंच की स्क्रीन प्रोवाइड की गई है। अगर इस लैपटॉप में हमें कोई इशू आता है तो 1 साल की वारंटी मिल रही है, तो हम इसको चेक करवा सकते हैं, दिखा सकते हैं, अगर ये सही पीस नहीं रहा तो आपको नया मिल जाएगा। लैपटॉप की भाई 8 घंटे की बैटरी लाइफ है, 20,000 में मिल रहा है, 20,000 में बहुत अच्छी डील है, तो जरूर एक बार आप इसको चेकआउट कीजिए। और अब मैं बात करने जा रहा हूँ नंबर 6 लैपटॉप की। दोस्तों ये जो नंबर 6 पे आया है ना, इसका नाम है लिनोवो आइडिया पैड स्लिम 1। पहले मैंने आपको आइडिया पैड 1 बताया था, लेकिन अब बता रहा हूँ लिनोवो आइडिया पैड स्लिम 1। ये दोस्तों लैपटॉप कुछ अलग है और इसमें फीचर भी थोड़े आपको डिफरेंट मिलते हैं। इसमें 14 इंचेस की HD 220 नाइट स्पीक के साथ ब्राइटनेस प्रोवाइड की गई है, जो कि एक दोस्तों लाइट वेट लैपटॉप ये आता है। यहाँ पर एक 8GB की रैम प्रोवाइड की गई है, 256GB की SSD मिलती है। इसमें दोस्तों ऑफिस वर्क करने के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छे, हमें यहाँ पर मतलब अच्छी स्मूथनेस मिल जाएगी, विदाउट लैग ये चलेगा, और मल्टीटास्किंग करने के लिए भी अच्छे फीचर हमें मिलते हैं। यहाँ पर 1 साल की वारंटी तो मिलती है, लेकिन अगर आप दोस्तों गेमिंग में इंटरेस्ट रखते हो, ये लैपटॉप को परचेज करने के साथ आपको 3 मंथ का गेमिंग पास भी मिलेगा। और क्लाउड ग्रे 1.3 kg तक का इसका मैक्सिमम वेट है, वेट भी इसका ज्यादा नहीं है। ये लैपटॉप अगर आपको दोस्तों अच्छा लगता है तो जरूर एक बार आप इसको चेकआउट कीजिए। ये लैपटॉप मिल जाता है ग्रे कलर के बीच में, जो कि 25,990 रुपीज का मिल रहा है, मतलब 1,000 जरूर ज्यादा है अगर आप इसके साथ बैंक ओपन लगाओगे। ये लैपटॉप वैसे 26,000 का अभी हमें मिल रहा है, तो अगर आप इसके ऊपर क्रेडिट कार्ड लगाते हो तो 2,500 रुपए गाइस और आपके लेस हो जाएंगे। गाइस बिग बिलियन डे सेल तक आप क्रेडिट कार्ड ले लो। दोस्तों आप लोग मतलब डिस्काउंट वगैरह लेना चाहते हो ना, तो क्रेडिट कार्ड ले लो भाई। तो हमारा दोस्तों 5th नंबर पे आता है HP Chromebook 15A, मतलब Amazon के बीच में भी इसके बारे में नंबर 1 ब्रांड लिखा हुआ है लैपटॉप के ऊपर ही, तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा। तो ये आता है 39.6 cm के साथ HD एंटी ग्लेयर दोस्तों डिस्प्ले मिलती है। इसके साथ हमें क्रोम OS एंड मैक्रो एज लैपटॉप ये प्रोवाइड किया गया है। इसमें 4GB की रैम मिलती है, 128GB की मिलती है। इसके साथ इंटेल UHD ग्राफिक कार्ड इसमें प्रोवाइड किया गया है। अगर आप दोस्तों ये लैपटॉप में देखोगे तो प्रोसेसर भी हमें मिलता है इंटेल सेलेरॉन N4500 का, हमें प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है। ये लैपटॉप हमें मिल रहा है 24,890 रुपीज का, मतलब पूरे 25,000 का भी नहीं है, 100 रुपया भाई कम ही है, तो आप इसका जरूर एक बार चेक कीजिए, अच्छा लगेगा। तो हमारा जो नेक्स्ट लैपटॉप है ना नंबर 4 पे, ये है Asus Chromebook CM14। दोस्तों ये जो है ना भाई लैपटॉप बहुत अच्छा है, मैं कहूँ कि ये लैपटॉप का भाई डिजाइन भी बहुत मस्त है। 14 इंचेस की FHD डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है। ये थिन लाइट वेट लैपटॉप है। इसमें प्रोसेसर ऑक्टा कोर मीडिया टेक कंपेनियो 220 का दोस्तों प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया है। इसके साथ हमें 8GB की रैम मिलती है, 128GB की यहाँ पर EMMC स्टोरेज प्रोवाइड की गई है। वैसे ये जो लैपटॉप है ना 1.45 kg तक का मैक्सिमम वेट है। आप इसको दोस्तों 8 घंटे तक नॉनस्टॉप यूज कर सकते हो, एक बार चार्ज कर लिया। वैसे एक बात बताना चाहूंगा कि Asus के दोस्तों जो लैपटॉप होते हैं Asus, HP, Dell, ये जो 3 नाम है ना दोस्तों, इसके बीच में कोई भी अगर आप लैपटॉप लेते हो तो आपको अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। वैसे पुराने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नए अभी आ रहे हैं, ये जो नए आए हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ये जो नए बता रहा हूँ, तो इसके बीच में अच्छे फीचर्स हमें मिलते हैं ये जो नए वर्जन के हैं। दोस्तों नंबर 3 पे आता है HP Chromebook X360। वैसे दोस्तों यार क्रोमबुक मैंने इसलिए ऐड की ये वाली क्योंकि मुझे अच्छा लगा और ये इसका प्राइस वाइज भी मुझे सही लगा। इसके बीच में हमें 14 इंचेस की यहाँ पर साइज मिल जाता है, मैक्रो एच डिस्प्ले प्रोवाइड की गई है। इसमें टच वाले भाई ऑप्शन देखने को मिलते हैं आपको, माजे टच स्क्रीन वाले, तो 2-in-1 दोस्तों ये लैपटॉप है, और आप इसको अगर चेक करना चाहते हो तो कर सकते हो। इंटेल सेलेरॉन 4120 का प्रोसेसर दिया गया है। अगर इसका आप वेट चेक करो 1.49 kg का वेट है, और इंटेल UHD ग्राफिक कार्ड है। गेमिंग करना चाहते हो ठीक ठाक गेमिंग कर सकते हो, वैसे एडिटिंग भी कर सकते हो दोस्तों। एडिटिंग करने के लिए बुरे लैपटॉप नहीं है, जितने भी मैंने आपको बताए हैं बहुत अच्छे लैपटॉप है, तो आप एडिटिंग वगैरह सब कुछ ये कर पाओगे। और ये लैपटॉप आपको मिल जाएगा 26,800
190 रुपीज का, तो जरूर एक बार आप इसको चेक कीजिए। डिजाइन बहुत अच्छा है और आपको अच्छा भी लगेगा। और दोस्तों सेकंड नंबर पे जो लैपटॉप आता है ना, ये HP 15। जी हाँ, HP 15 दोस्तों 15.6 इंचीज की, यहाँ पर आपको HD यहाँ पर स्क्रीन का साइज मिलता है, यहाँ पर मैक्रो एच डिस्प्ले मिल जाती है, 8GB की रैम मिलती है, 512GB की SSD प्रोवाइड की गई है, इसमें इंटेल UHD ग्राफिक कार्ड मिलता है, ड्यूल दोस्तों यहाँ पर आपको स्पीकर्स मिलते हैं, साउंड की क्वालिटी बहुत नेक्स्ट लेवल होगी इसकी। और जैसे आप इसका प्राइस चेक कर रहे हो 26,690 रुपीज का ये लैपटॉप मिल रहा है, बट इसके बीच में अगर देखा जाए तो ये जो लैपटॉप है ना 15S के साथ कंपेयर करके देखोगे तो इसमें थोड़े अच्छे फीचर है, इसका डिजाइन देखोगे डिजाइन भी थोड़ा अच्छा सा ये मतलब देखने में वैसे ही लगता है, बट कुछ फीचर इसमें चेंज किए गए हैं। और ये जो लैपटॉप है ना दोस्तों, आप इसके साथ बैंक में ऑफर लगाकर 2500 का, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2500 आप डिस्काउंट ले सकते हो, तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर आप ले पाओगे ये डिस्काउंट, तो जरूर आप यूज कीजिए। और ये लैपटॉप आपको 26,690 रुपीज का मिल जाएगा, तो जरूर आप एक बार चेक कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में सारे लैपटॉप के लिंक प्रोवाइड करता हूँ, तो आप वहां से जाकर परचेज कर सकते हो। और दोस्तों बात कर लेते हैं नंबर वन लैपटॉप की, लिनोवो आइडियापैड स्लिम 3। वैसे मैंने ये लैपटॉप क्यों ऐड किया, और ये दोस्तों एक नया आया है, और ये है स्लिम 3 दोस्तों, ये क्रोमबुक मीडियाटेक कैंपेनियो 2 520 का दोस्तों यहाँ पर आपको प्रोसेसर प्रोवाइड किया गया, 14 इंच की यहाँ पर FHD IPS 250 nits के साथ ब्राइटनेस मिलती है, और इसका साइज मिलता है, इसमें 8GB की रैम मिलती है, 128GB की eMMC यहाँ पर स्टोरेज प्रोवाइड की गई है, जो कि आपको एक अच्छा दोस्तों यहाँ पर एज इट इज वेब कैमरा भी मिल जाता है, जो कि HD 720 पिक्सल के साथ आता है कैमरा, और यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर्स मिलते हैं, मतलब दो स्पीकर, मतलब स्टीरियो स्पीकर्स का साउंड इतना ज्यादा अच्छा होता है, तो सुनने में आपको बहुत मजा आएगा। और ये जो लैपटॉप है ना, जितने मैंने आपको बताए हैं, और ये जो लैपटॉप का प्राइस है ना दोस्तों 17,290 रुपीज का है ओनली, 25,000 का भी नहीं है, 18,000 रुपीज के बीच में आप इसको परचेज कर सकते हो। वैसे इसकी अगर आप MRP चेक करोगे तो दोस्तों 31,000 तक इसकी MRP है, वैसे 31,000 नहीं है, 30,790 रुपीज की दोस्तों इसकी MRP है, और ये हमें 18,000 का मिल रहा है, अभी इसके ऊपर 42% की ऑफ चल रही है। वैसे ये सारे लैपटॉप के मैंने आपको लिंक दे दी है, तो जाकर आप डायरेक्टली दोस्तों परचेज कर सकते हो, सर्च करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको डायरेक्ट दोस्तों लिंक दे दी है, वहां से आप डायरेक्ट दोस्तों अमेज़न की ऑफिशियल एप्लीकेशन में पहुंच जाओगे और आसानी से परचेज कर पाओगे। आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अपनी राय जरूर देना कमेंट बॉक्स में कि सबसे अच्छा लैपटॉप आपको कौन सा लगा ये 10 लैपटॉप में से। कोई भी अगर लैपटॉप अच्छा लगा बुरा लगा, जो भी आप लोगों का सजेशन है, कुछ दोस्तों अभी मेरे पास माइक नहीं है इसीलिए वॉइस में थोड़ा आपको इशू आ रहा होगा कि वॉइस अच्छी नहीं आ रही, तो आप लोग गाइस ऐसे सपोर्ट करते रहिए, तो मैं आपसे अब अगली वीडियो में मिलूंगा। और अपनी आप राय जरूर देना, अपनी राय देते हो ना जब, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों की राय देखकर, तभी मैं दोस्तों वीडियो बनाता हूँ। आज की वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच, अब मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।